बारिश की वजह से 27 कॉल आई है, आपको बता रहे हैं। तो देखिए, दिल्ली हो या जयपुर, हर जगह से बारिश ने जो है तबाही मचा रखी है। जहां पर जयपुर में बेसमेंट में पानी भरने से दो लोगों की मौत की सूचना जो है वो फिलहाल आ रही है। मकान के बेसमेंट में रहते थे कुल दो परिवार, जिनमें से तीन लोग बेसमेंट में सो रहे थे और दो लोगों के डूबने की सूचना है। वहीं दिल्ली में भी सभी स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं, प्रशासन जो है वो एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजीत, जैसा दिल्ली में एक वाकया घटित हुआ था जहां पर तीन लोगों के बेसमेंट में डूबने से मौत हो गई थी, वहीं फिर जयपुर में ऐसे ही घटना फिर से सामने आई है। क्या दिल्ली की घटना से कोई सबक नहीं लिया? ऐसी ही बड़ी चूक कैसे घटित हो सकती है राजधानी जयपुर में? देखिए प्रीति, देश की राजधानी दिल्ली में अभी कुछ घंटों दिनों पहले ही एक बहुत बड़ी घटना देखने को सामने आई थी। उसी के तुरंत बाद आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक ही बड़ी घटना देखने को मिली है, जहां पर एक बेसमेंट में पानी भरने से तीन लोगों की मौत की खबर यहां सामने आ रही है। अभी फिलहाल मौत की जो पुष्टि है वो नहीं हो पाई है, लेकिन जो तीन लोग है वो अंदर फंसे पड़े हैं। दो लोग है और एक छोटी बच्ची है उसके अंदर। फिलहाल जो रेस्क्यू है वो लगातार किया जा रहा है। सुबह 4 बजे का ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है, जहां पर तेज बारिश के चलते पीछे के जो मकान है उसके पीछे की दीवार तोड़कर पानी एक साथ अंदर घुसा और बेसमेंट में जो लोग थे, दो परिवार थे, वो बाहर नहीं निकल पाए, पानी के अंदर ही रह गए। जी प्रीति। तो अजीत, ये इस लापरवाही का वही जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है। क्या ये कोई निजी मामला है या फिर प्रशासन की कोई इसमें प्रशासन भी इसमें कुछ हद तक जिम्मेदार है? इस बड़ी घटना का जिम्मेदार आखिर कौन है? देखिए प्रीति, मैं इस पूरी घटना की बताऊं तो पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। कहीं ना कहीं प्रशासन इस पूरी घटना को लेकर के जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ जो देखने को मिला, छोटे छोटे मकान यहाँ बनाए गए हैं और उन मकानों के अंदर भी बेसमेंट इस तरीके से बनाया गया है कि बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, और प्रशासन की अनदेखी में इस तरीके से निर्माण होना, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रशासन की मिलीभगत का पूरा खेल सामने आ रहा है। और ये प्रशासन की लापरवाही के चलते आज तीन लोगों की जान हथेली पे। जी आप अजीत, प्रशासन की इसमें जिम्मेदारी बता रहे हैं, तो ये तो प्रशासन की कार्यशैली पर जो है वो बहुत बड़ा सवाल जो है खड़ा हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस बात को हम जानना चाहते हैं कि हादसे के बाद भी प्रशासन जो है वो सचेत क्यों नहीं हुआ? क्या फिर ऐसे ही कोई बड़ी घटना की का जो इंतजार कर रहा था प्रशासन? देखिए प्रदीप, दिल्ली की जो बड़ी ये घटना थी वो छोटी घटना नहीं थी, बहुत बड़ी घटना थी। देश को नहीं, पूरे प्रदेश को नहीं, पूरे देश को इस पूरी घटना से सबक लेना चाहिए। तमाम जो अधिकारी हैं उनको भी इस घटना से एक्शन, एक दो दिन के लिए एक्शन लेते नजर आते हैं, फिर उन चीजों को भूल जाते हैं। दिल्ली की घटना को भूलना नहीं चाहिए। आदिपुर में ये जो घटना है ये भी कोई आम घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। इस पूरी घटना की बात करें तो तीन लोगों की जान की खबर आ रही है। अजीत, ये भी बताइए साथ में कि मौके पर कौन कौन मौजूद है, क्या कोई स्थिति वहां पे साफ होती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ वहां का माहौल? देखिए प्रीति, ये सुबह 4 बजे की पूरा घटनाक्रम है। हमने जब परिजनों से बात की तो परिजनों का कहना कि पूरे 4 बजे का पूरा घटनाक्रम है, जिसके बाद हमने पुलिस को सूचना दी, पुलिस यहाँ मौके पे आई और कई देर तक पुलिस इंतजार करती रही रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि फिर उसके तुरंत बाद सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीमों को सूचना दी गई। वो सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीमें यहाँ मौके पे आई है और लगातार अभी रेस्क्यू चल रहा है। सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ रेस्क्यू कर रही है, पानी को पंप हाउस पंप बड़े बड़े पंप मंगाए गए हैं उनकी से बाहर निकाला जा रहा है। और फिलहाल पूरी घटना को लेकर के पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है, वीकेआई थाना अधिकारी है, वहीं एडिशनल डीसीपी है नीरज जी, वो खुद मौके पे है, एसीपी चौमू मौके पे, और फिलहाल अभी जयपुर जो कलेक्टर है, जिला कलेक्टर, वो खुद यहाँ मौके पर पहुंचे, पूरे मामले की संज्ञान ले रहे, पूरे मामले की जानकारी जुटा रहे। लेकिन देखो प्रीति, बात यह है कि सबसे बड़ी बात ये कहूंगा कि प्रशासन की लापरवाही रही है। ये जब ये जो निर्माण हो रहे थे उस टाइम प्रशासन कहाँ था? इस तरीके के इलीगल कंस्ट्रक्शन
छोटे छोटे मकानों में बेसमेंट बना दिए गए, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल अजीत, सही कहा आपने, जब बारिश को लेकर, बारिश से इस तरह से हालत खराब है, फिर इस तरह से लापरवाही कैसे हो सकती है? इस पर प्रशासन की ओर से कोई एक्शन लिया गया है? हादसे को लेकर उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है अजीत? देखिए फिलहाल प्रशासन यहाँ मुस्तैद नजर है। प्रशासन की का कहना कि सबसे सर्वप्रथम जो अंदर जो लोग फंसे उनको बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जी देखिए अजीत, जयपुर शहर में ऐसे कई जगह हालत खराब हो चुकी है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, हर जगह अपन हम लोग देखे तो घरों में भी पानी जो है वो भरा हुआ नजर आ रहा है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। मानसून से पहले प्रशासन की तैयारी क्यों नहीं की गई, ये इस पर भी हम जानना चाहेंगे कि मानसून की जब मानसून की एंट्री हुई थी तब प्रशासन की तैयारी क्यों नहीं की गई इसको लेकर? देखिए प्रीति, इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन एक विफल नजर आ रहा है। ये प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो सही तरीके से नहीं की गई है। आज इस मामूली सी बारिश में इस तरीके का हादसा देखने को मिल रहा है, एक बड़ा हादसा भी पेश हो सकता है, और ये इसको छोटा हादसा नहीं कहूंगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हादसा है। जी प्रदीप, प्रशासन पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं विफल है, इनकी तैयारियां हैं वो बहुत कमजोर हैं। जी देखिए अजीत, यहाँ पे बेसमेंट में पानी भरने से ये घटना जो है वो सामने आई, इसका खुलासा हो सका है, लेकिन वहीं अगर हम जयपुर में सड़कों की बात करें तो सड़कों पर भी ऐसी राजधानी में अगर ऐसे हालात बारिश से हो जाते हैं, सड़कों पर भारी पानी जो है वो भरा हुआ नजर आ रहा है, हम कई जगह कई घटनाएं जो हमारे सामने आई है जहां पर सड़कों पर पानी भरे होने से भी लोगों को भारी परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ता है, तो वहीं आप ये भी जानना चाहेंगे कि वहां पर क्या कुछ कैसे लोगों के फंसे होने की सूचना है, कैसे क्या कितना कुछ जो कार्य है सिविल डिफेंस टीम जहां पर मौके पर मौजूद है, कितना कार्य जो आगे बढ़ पाया है और क्या बेसमेंट से पानी निकाल लिया गया है, क्या कुछ स्थिति? देखिए प्रीति, बारिश के बाद पूरे जयपुर शहर में ही बारिश ने बेहाल कर दिया है, जगह जगह पानी भरा है, सड़कों पे भी पानी भरा है। सीकर रोड की बात करें तो सीकर रोड पे पैदल निकलना मुश्किल है, तो वाहन कई वाहन है जो पानी के अंदर तैरते नजर आ रहे हैं। और बात करें इस पूरी घटना की यहाँ की, तो यहाँ ये सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन फिलहाल जो पानी है वो पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकल पाया है, लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, पानी को पंप की वजह पंप से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो सफलता है वो नहीं मिल पा रही है। थोड़े समय और लगेगा, शायद मेरे हिसाब से 1 घंटा के करीब का पूरा समय और लगेगा अभी पानी को निकालने के लिए, क्योंकि पानी जिस जगह ये पूरा घटनाक्रम वहाँ दलान का पूरा क्षेत्र है, ताकि पीछे का पानी लगातार निकाल रहे और आगे का पानी निकल रहा है, तो पीछे का पानी वापस आ रहा है, ये दीवार तोड़ करके पानी अंदर घुसना, जिसके चलते पानी और अंदर घुसता जा रहा है। जी प्रीति, देखिए अजीत, घटना बेहद दुखद है, इस घटना को लेकर ऐसा लगता है कि इससे सबको सबक लेना चाहिए, इससे ऐसा बड़ा जो घटनाक्रम है वो कैसे हो सकता है, अधिकारियों को इस हादसे पर क्या करना चाहिए, अब आगे का हम ये भी जानना चाहेंगे, और जो हादसे में ये जो दो लोगों के डूबने की जो सूचना सामने आई है वहां पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि वो बेसमेंट में क्या कर रहे थे, जैसे ही पानी भरता हुआ नजर आया क्या उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की, किस तरह से वो पानी में डूबे कैसे? अजीत देखिए प्रीति, मैं बताऊं, ये दो छोटे छोटे काफी सारे मकान बने हुए हैं, अब जो ये दो परिवार है वो बेसमेंट में ही रह रहे थे, बेसमेंट में ही रहते हैं, और ये जो बारिश देर रात से हो रही थी और अचानक से सुबह 4 बजे पीछे की दीवार तोड़कर पानी अंदर घुसा और बेसमेंट में पूरी तरह लबालब हो गया, करीब 15 फीट ऊपर तक पानी भरा, जिसके चलते वो लोग बाहर निकल नहीं पाए। जी प्रीति, तो इस पर क्या प्रशासन की कोई कार्रवाई, क्या कोई अपडेट बारिश को लेकर दिया गया है इस घटना के बाद? देखिए फिलहाल लगातार इस घटना को लेकर के प्रशासन एक्टिव है, अभी एक्टिव नजर आ रहा है, आएगा ही, क्योंकि बहुत बड़ी घटना है, इससे पहले अगर प्रशासन एक्टिव होता तो इस तरह की घटनाएं नहीं हो, क्योंकि जब ये ऐसे कंस्ट्रक्शन होते हैं तो जो अधिकारी हैं, तमाम अधिकारी हैं, वो आके बंद कर लेते हैं, एक छोटे छोटे मकानों के अंदर बेसमेंट बनाए गए हैं जहां से निकलना मुश्किल है, तो इस बड़ी घटना के बाद तो निकलना इम्पॉसिबल है। जी प्रदीप, तो अजीत बिल्कुल सही आपका, आप ये कहना चाहते हैं कि इस घटना के पीछे पूरी तरह से प्रशासन जो है वो जिम्मेदार है। जी जी प्रीति, इस पूरी घटना को लेकर के, आज की जो घटना है ये एक मामूली घटना नहीं है, बहुत बड़ी, अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, और इस पूरी घटना की जिम्मेदारी प्रशासन की है।
कि अजीत, दिल्ली में सारे स्कूल कोचिंग सब कुछ बंद किया गया है आज, तो वैसे ही जयपुर में क्या कोई विशेष अपडेट नहीं दिए गए हैं? जैसा इसके साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसे दो दिन पहले भी जो मेयर है सौम्या गुर्जर, वो भी किस तरह से बेसमेंट में जो बने हुए हैं उनकी जानकारी लेते हुए नजर आई थी, तो ये बड़ी घटना कैसे घटित हो सकती है? और इसके साथ ही दिल्ली में जिस तरह से अपडेट दिए गए हैं, वैसे क्या जयपुर में भी कुछ अपडेट आ सकते हैं, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, फिलहाल की बात करें तो जो दिल्ली की जो घटना थी वो अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी। उसके बाद में जब जयपुर में भी खबरें लगातार जयपुर चलना शुरू हुई, तो उसके बाद में प्रशासन जो हरकत में आया और तमाम कोचिंग संस्थान और स्कूल संस्थान थे उन पे निरीक्षण, सौम्या गुर्जर ने निरीक्षण किया और जहाँ जहाँ खामियां मिली थी वहाँ उनको सील भी किया गया, एक वो कार्रवाई की गई थी उनकी तरफ से। लेकिन जो कार्रवाई पहले बनती थी वो कार्रवाई बड़े बड़े हादसों के बाद में देखने को मिलती है हमेशा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर है जहां पर प्रशासन की लापरवाही जो है वो सामने आई है, देखने को मिली है। दिल्ली हादसे के बाद भी प्रशासन जो है वो सचेत नहीं हुआ, जिस वजह से जयपुर में भी एक बड़ी घटना जो है वो देखने को मिली, जहां पर बेसमेंट में पानी भरने से दो लोगों के डूबने की सूचना है। फिलहाल स्थिति जो है वो साफ नहीं हो पाई है, सिविल डिफेंस की टीम मौके पर मौजूद है और पानी निकालने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। उसके बाद ही तमाम स्थिति जो है वो साफ हो पाएगी कि किस तरह का माहौल वहां पे है। जैसा कि संवाददाता ने बताया कि किस तरह से छोटे छोटे मकानों का निर्माण जो है वहां पर किया गया है और कितनी भारी संख्या में लोग वहां पर रहते हैं, और जल्दी से पानी भरने से बेसमेंट में दो परिवार जहां पर रहते थे वहां पर दो लोगों के डूबने की सूचना फिलहाल दी जा रही है। विश्वकर्मा 17 ध्वजनगर के की ये सूचना आपको बता रहे हैं, जहां पर बेसमेंट में पानी भरने से एक बच्चे सहित दो लोगों के डूबने की फिलहाल सूचना है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट इसको लेकर, इस पर नजर रहेगी एवन टीवी की, लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। मकान के बेसमेंट में दो परिवार रहते थे, जहां पर आपको बता दें तीन लोग बेसमेंट में सो रहे थे और दो लोगों के डूबने की सूचना फिलहाल दी जा रही है।